Hello guys, this is Kushal. Welcome to Kushal Center for Excellence. So guys, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का पार्ट 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो जिस किसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज मेरे आई बटन पर क्लिक करिए और वहां से जाके देख लीजिए। सो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 और 3.3। हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। सो देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो यहाँ डाल देते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें आंसर बताना है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर बताना है। तो फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द क्रिस्टेन प्लेन। अब यहाँ पे दे रखा है कि उन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का नाम बताइए। तो हॉरिजॉन्टल क्या बताई थी मैंने आपको पार्ट वन में क्या बताई थी मैंने, हॉरिजॉन्टल आपको बताई थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट का क्या बताई थी, हॉरिजॉन्टल क्या बताई थी मैंने, एक्सेस बताई थी ना, एक्स वाली। ओके, अब इसमें फिर क्या बताई थी मैंने, वर्टिकल कौन सी बताई थी मैंने, वर्टिकल बताई थी मैंने आपको वाई एक्सिस। क्या बताई थी, वाई एक्सिस। ओके ठीक है, अब यहाँ देखिए कि इसके बाद यहाँ देखते हैं सेकंड वाला है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। जो बनाते हैं हर पार्ट का नाम बताइए। पार्ट ये बताए थे मैंने क्यूडरेंट, ईच ऑफ द पार्ट आर कॉल्ड क्यूडरेंट। हर पार्ट का नाम क्यूडरेंट था। अब थर्ड में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अब ये जो दो लाइन है ये इंटरसेक्ट कहाँ करती है, ओरिजिन। क्या करती है, ओरिजिन यानी कि ओरिजिन यानी कि वो जो जीरो जो था, जीरो होता है ना नंबर लाइन के बीच में, वो ओरिजिन होता है। ठीक है, अब ओरिजिन पे करती है, जैसे ये जो बना था ना हमारा, हमने जो क्रिस्टेन सिस्टम बताया था और बाकी सब यहाँ 1 2 3 4 ऐसे थे, तो यहाँ पे जीरो होता है, जीरो यानी कि ओरिजिन या ओ भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर निकल के आ गए सारे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सी द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। हमें फिगर दे रखा है, उसे देख के आंसर बताना है। तो यहाँ देखिए फिगर बना लेता हूँ मैं क्वेश्चन सेकंड में देखी। ये क्रिस्टेन प्लेन वाला ही है, पर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग दे रखी है, -6 -5 -4 -3 -2। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, -6 -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, अब यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 जा गया। अब बात करते हैं हम यहाँ की, तो यहाँ आ गया +1 2 3 4 5 6 ऑरिजिन, फिर यहाँ पे आ गया -6 -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, ये आ गए। अब इस पर दे रखा है कि ये ऐसे बना रखे हैं डॉट डॉट। ऐसे बना रखा है ये। ठीक है, अब ये पॉइंट कहलाता है, ये पॉइंट बी पॉइंट है, ये पॉइंट डी पॉइंट है। ठीक है, यहां से ऐसे दे रखा है, ये पॉइंट एम पॉइंट है, क्या एम पॉइंट है। अब यहां से -3 से -5 तक दे रखा है, तो ये पॉइंट ई पॉइंट है, क्या है ई पॉइंट। अब यहां से दे रखा है -5 से -3 तक फिर से दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एच पॉइंट, ये एच पॉइंट हो गया। अब ये +2 से -4 तक दे रखा है, तो ये पॉइंट कौन सा है, ये जी पॉइंट है। अब
ये प्लस के फाइव से माइनस के फाइव तक दे रखा है, प्लस के फाइव से माइनस के फाइव तक। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है सी, सी पॉइंट। अब ये एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई, ठीक है, ये बन गया हमारा पूरा। अब यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सो फर्स्ट दे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी बी का है हमारा बी पॉइंट, शायद बी पॉइंट अभी बने ही नहीं हमारा बी पॉइंट, हाँ तो बी पॉइंट तो बन गया सॉरी बन गया ये। तो क्या है, माइनस फाइव है और माइनस फाइव दे रखा है पे, और क्या दे रखा है माइनस टू, माइनस फाइव टू माइनस टू दे रखा है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, माइनस फाइव कॉमा माइनस टू, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का, सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है चलिए देखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट बताना है, सी का है ये रही माइनस फाइव और प्लस फाइव, प्लस फाइव कॉमा माइनस फाइव दिया गया। तो अब थर्ड का, ठीक है थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में यहाँ दे रखा है हाँ दे रखा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट माइनस थ्री और माइनस फाइव, माइनस थ्री और माइनस फाइव, यह है माइनस थ्री और यह है माइनस फाइव, कौन सा पॉइंट कर रहा है, ई पॉइंट कर रहा है माइनस थ्री और माइनस फाइव, तो यहाँ आंसर हो गया ई। अब बात करते हैं हम थ्री फोर वाले की, फोर वाले में क्या दे रखा है, फोर वाले में दे रखा है यहाँ पे, फोर वाला दे रखा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट टू माइनस फोर, टू माइनस फोर, टू माइनस फोर, सो ये दे रखा है कौन सा पॉइंट, जी पॉइंट, ये हो गया। अब इसके बाद फाइव वाला, फाइव वाले में क्या दे रखा है, फाइव में दे रखा है यहाँ पे द एबिस्का ऑफ द पॉइंट डी, एबिस्का बताना है पॉइंट डी का, डी का एबिस्का क्या है, एबिस्का सिक्स है, सिक्स आंसर। अब इसमें बताना है और द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच पॉइंट का ऑर्डिनेट, तो यह है एच पॉइंट का ऑर्डिनेट माइनस थ्री, ठीक है। अब आते हैं सेवन, सेवन में क्या दे रखा है, सेवन में क्या दे रखा है, सेवन में दे रखा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट एल, एल पॉइंट कहाँ है, यह है एल पॉइंट, एल पॉइंट है ये आपका, ओके ठीक है, एल पॉइंट ये है। तो जीरो से ऑरिजिन, जीरो से क्या है माइनस फाइव तक, जीरो से माइनस फाइव तक, ये हो गया ठीक है। अब बताना है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम कहाँ है ये, तो क्या हो गया पॉइंट एम कहाँ पे है, माइनस के थ्री पर, तो माइनस का थ्री और कॉमा, ये हो गया एट, माइनस का थ्री कॉमा जीरो, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब ये हो गई 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब आते हैं 3.3 पर, 3.2 जैसे मैंने की बताया था आपको कि वन और टू ही क्वेश्चन है, सो देख लेते हैं चलिए। सो 3.3 एक्सरसाइज पर आ जाते हैं हम, 3.3 ये आ गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है इसमें, इन विच क्यूड्रेंट और ऑन, यहाँ हमें क्यूड्रेंट दे रखे हैं, ये हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं उनके क्यूड्रेंट और एक्सिस बताने हैं हमें, एक कालिस्टेन प्लेन भी दे रखा है, कालिस्टेन प्लेन भी बनाकर दे रखा है, तो हमें आते हैं कालिस्टेन प्लेन बनाना, सो हम बनाए लेंगे कालिस्टेन प्लेन, ठीक है। सो यहाँ देखिए दे रखा है कि कुछ नंबर दे रखे हैं, क्या क्या है, फर्स्ट है माइनस टू कॉमा फोर, माइनस टू कॉमा फोर, फिर दे रखा है कॉमा थ्री कॉमा माइनस वन, फिर दे रखा है कॉमा माइनस वन कॉमा जीरो, फिर दे रखा है वन कॉमा टू, दे रखा है, फिर दे रखा है कि माइनस थ्री कॉमा फाइव माइनस का, ठीक है ये दे रखे हैं हमें। सो अब ये एक कैरिस्टेन प्लेन भी बनाना है हमें, क्या कैरिस्टेन प्लेन, तो यहाँ हम बना लेते हैं कैरिस्टेन प्लेन माइनस फाइव माइनस फोर, और थोड़ा बड़ा करते हैं ऊपर से, माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, ओके हो गया, बीच में ऑरिजिन लग गया आपको पता है, वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, यहाँ दे रखा है माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट, और फिर दे रखा है माइनस का, सॉरी गलत बना ली हमने, हम उल्टे चल रहे हैं, ओके
के ये है माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। अब इधर दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसमें ये नंबर शो करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉइंट ए हो गया, ए का माइनस 2, 4 का पॉइंट ए बना लिया हमने। फिर 3, -1 प्लस का 3 है, तो प्लस का 3, -1 यह आ जाएगा पॉइंट कौन सा, बी बन गया। बी में कौन सा 3, -1 का बन गया, ठीक है। अब फिर है -1, 0, -1 किसका, इसका, सो ये हो जाएगा पॉइंट, ये बना, ठीक है। यहाँ पे बनेगा हमारा एक पॉइंट, यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट बनेगा, यहाँ पे सी पॉइंट बनेगा, कौन सा सी पॉइंट, सी पॉइंट किसका बनेगा, -1, 0 का, ठीक है। अब फिर दे रखा है कि 1, 2, 1 + 2 + तो ये हो गया, यहाँ पे कौन सा पॉइंट बना, ये सी बना था, तो ये डी बनेगा, डी में कौन सा 1, 2 का, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि 3, -5, -3, -3, -5, तो ये दे रखा है -3, -5, ये दे रखा है कॉमा, यहाँ पे बन गया ई पॉइंट, ई, ई में कौन सा बना यहाँ पे, -3, -5, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पर, सेकंड पर क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, चलिए सेकंड में बताऊं, इस क्वेश्चन जैसे ये फर्स्ट के जैसा, पर यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, टेबल में से हमें नंबर बताने हैं, पर नंबर हमें दिए हुए थे पहले, पर हमें यहाँ पे नंबर बताने हैं, तो टेबल बिल्कुल वैसा ही सेम करना है, पर यहाँ पे क्या एक्स वाई दे रखा है, यहाँ पे हम एक्स वाई को जोड़ के वापस से वही बनाना है, तो हमें यहाँ देख लीजिए कि एक्स वाई को जोड़ के बनाना है, तो यहाँ दे रखा है एक टेबल दे रखी है, एक्स वाई यहाँ दे रखे हैं हमें, एक्स और वाई दे रखे हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। अब फिर दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे दे रखा है -2, फिर यहाँ पे दे रखा है ये -2/8, फिर दे रखा है -1 यहाँ दे रखा है, फिर दे रखा है अपॉन में 7, ओके। फिर यहाँ पे दे रखा है 0/0 -1.25, ओके, ये दे रखा है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद -1/3, ये दे रखा है, ठीक है, 1/3, फिर इसके बाद दे रखा है 3/-1, ये दे रखा है। अब यहाँ पे हम नंबर बनाने हैं तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट -2, 8, ये बनेगा, ठीक है। फिर बनेगा यहाँ पे -1, 7, फिर बनेगा 0, -1, ये फिर बनेगा हमारा 1, 3, फिर यहाँ पे बन जाएगा हमारा 3, -1, ओके, ये बना हमारा। फिर अब इसमें एक और क्या बना रखा है यहाँ पे, एक, अब इन्हें भी हमें वैसे लोकेट करना है, तो यहाँ देखिए ये बना रखा है इन्होंने, अभी छोटा पड़ गया यहाँ पे, तो इसे आप टेबल को तो हटा देते हैं ना, क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन तो बने हुए हैं, हमारे क्या बने हुए थे, हमने वो भी रफ कर दिए यार। चलिए इसमें से बुक में से देख लेते हैं, क्या था -1, 8 दे रखा था, फिर दे रखा था कि 1, -1, 7 ये दे रखा था, फिर दे रखा है कि 0, 0, -1, -1.25 ये दे रखा था, फिर दे रखा है कि 1, 3 ये दे रखा है, फिर दे रखा है कि 3, -1 ये दे रखा है हमें। अब यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं हम, ये बन गया, देखिए ये बनाना है। अब यहाँ से ये छोटा सा यहाँ ऐसे बनेगा, ये इस तरह से, जैसे थोड़ा सा हमने वो बनाया था रोड वाला, तो थोड़ा सा वैसे ही इस टाइप से ही बनेगा। सो यहाँ पे दे रखा है कि -3/-2 - 1, ये दे रखा है, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे ये रहा ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, फिर यहाँ पे -1, -2,
माइनस थ्री माइनस फोर, ओके। फिर यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 दे रखा है ये। अब यहाँ पे दे रखा है 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें हमें फिर से वैसे ही दिखाना है, ठीक है, तो वैसे ही दिखाना है। तो यहाँ देख लेते हैं कि फिर क्या है, माइनस टू और प्लस एट, ये बन गया एक पॉइंट, क्या बना, पॉइंट एट। पॉइंट ए में कौन सा बना, माइनस का 2, 8, ये बना, ठीक है। अब माइनस 1, -5 ये दे रखा है, तो माइनस 1 ये रहा और 5, तो सॉरी 7, 7, 7, तो यहाँ पॉइंट लगा। फिर कौन सा बना, ये बी बना, बी में, बी में कौन सा, माइनस 1, 7 का, ठीक है। अब फिर इसके बाद है 0, 0 से -1, सो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट लगेगा, क्योंकि 25 दे रखा है ना पॉइंट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट लग गया। कौन सा बना, ये बना 0, -1, -1, 9, sorry, decimal 25, इसका कौन सा, ये पॉइंट कौन सा बना, पॉइंट कौन सा बना, सी पॉइंट, है ना। फिर आता है प्लस का 1, फिर 3 माइनस का, तो प्लस का 1 यहाँ दे रखा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बना एक पॉइंट, पॉइंट कौन सा बना, ये 1, -3 का, तो ये कौन सा है, ये डी बना, डी बना, ठीक है। अब फिर दे रखा है यहाँ पे 3, -1, 3, -1, तो 3 किसका है यहाँ पे, प्लस का है, -1, तो ये हो जाएगा 3, सॉरी इधर का 3 है ना, फिर ये माइनस का 1, ठीक है, तो ये दे रखा है। अब माइनस का 1 इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ से प्लस के 3 से माइनस के 1 यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बन गया यहाँ से इतने का, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट बन गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या जाएगा, ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट बनेगा, ये ई पॉइंट, ई पॉइंट में से कौन सा बनेगा, 3, -1 का, तो समझ में आ गया, ये हो गया आंसर। तो इसी के साथ साथ ये पार्ट भी हमारा खत्म होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल कुशागर सेंटर फॉर एक्सलेंस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।